तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें। आपकी के ग्रंथ में लिखा हुआ है ये सुरसती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ। कहते हैं सनातन धर्म सहिष्णुता सिखाता है, लेकिन ऐसी सहिष्णुता का क्या फायदा कि कोई अपनी औकात भूलकर अपमान ही करने लगे, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। सनातन शांति का प्रतीक है, गलतियों को माफ करता है, गलतियों पर सर तन से जुदा नहीं करता, और शायद यही वजह है कि हमारे देश में विपक्षी नेता सनातन हिंदुत्व और देवी देवताओं का अपमान आसानी से कर गुजरते हैं। हाल ही में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा ने सनातन का और मां सरस्वती का अपमान किया। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हैं फतेह। फतेह ने कहा कि आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है जो ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर उनकी नियत खराब हुई और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती ने शादी कर ली। अब आप खुद ही समझिए पूजा किसकी होती है, चरित्रवान की या चरित्रहीन की। आरजेडी नेता के इस बयान के बाद से सियासत में भूचाल आ गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने फतेह बहादुर के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को भी जमकर घेरा है, वहीं इस मामले में लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की और उसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता गिरिराज सिंह ने इस मामले में आरजेडी नेता को लताड़ लगाई और खुलकर विरोध किया। गिरिराज सिंह ने एक सवाल भी किया, उन्होंने फतेह के बयान पर कहा कि क्या ये अपमान तुम किसी और धर्म का कर सकते हो, वो दूसरे धर्म का, जब आप हिंदू धर्म का अपमान करते हैं तो क्या दूसरे धर्म का अपमान कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करके दिखाइए। गिरिराज सिंह ने कहा, ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है, सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। बता दें इसके पहले भी फतेह इस तरह किया अनर्गल बक चुके हैं। इसके पहले ये विधायक फतेह माता दुर्गा पर सवाल उठा चुका है, सारी मर्यादाएं तब भी इसने लांग दी थी। मीडिया के सामने महिषासुर को नायक कह दिया था और दुर्गा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर का वध नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने माँ दुर्गा को ही काल्पनिक चरित्र बता दिया। दुर्गा के पति, माता और पिता के बारे में पूछते हुए कहा था कि जन्म और मृत्यु का पता नहीं तो फिर ये पूरी कहानी काल्पनिक है। उन्होंने ये सवाल किया कि रात में दुर्गा कौन सा युद्ध करने निकलती थी। कहीं ना कहीं माता दुर्गा के चरित्र पर इस तरह के सवाल भी फतेह उठा चुका है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह से सनातन और हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह के बेतुका बयान देने वाले नेताओं को विधानसभा, राज्यसभा या संसद जैसे स्थानों पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना इनके लिए मजाक बन गया है। गिरिराज शर्मा का सवाल बिल्कुल जायज है, क्या इनमें दम है कि ये कुरान पर बोल सके? इस मामले में आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे बेतुका बयान देने वालों को, आस्था पर चोट पहुंचाने वालों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।